नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले हजार सालों का अगर इतिहास देखें तो हवन किस लिए किया जाता था और आज भी किस लिए किया जा रहा है, हवन करते हुए क्या पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई इवेंट्स होता है, जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल को ही आप ले लें, तो उसमें जब इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है तो उसे भी जीतने के लिए लोग हवन करते हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि बरसात कराने के लिए भी लोग हवन करते हैं, कहीं पे महामारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हवन करवाते हैं, तो कई जगहों पे शादी विवाह मरण क्रियाक्रम के बाद मृत्यु भोज के समय पे भी ये हवन करवाते हैं। अगर काल्पनिक कथा कहानियों की बात सुने तो उनमें बच्चे के जन्म लेने के लिए भी हवन का जिक्र है, जिसमें ईश्वर खुश होकर कभी सेव कभी कोई फल दे देता था तो कभी खीर देकर बच्चा पैदा करवा देता था। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि इस तरह के हवन में आखिर पढ़ा क्या जाता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। वास्तव में जो वेद मंत्र है, इसका प्रयोग आज तक इन्हीं सब कर्म कांडों के लिए ही इस्तेमाल होता रहा, लेकिन पिछले 150 सालों से कुछ षड्यंत्रकारियों ने जो इसमें से विज्ञान टपकाना शुरू किया है पश्चिम के विज्ञान की कॉपी करके, और इसी तर्ज पे पिछले कुछ दशकों से इस्लाम ने भी कुरान में विज्ञान टपकाना शुरू कर दिया है। यूट्यूब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी या यूं कहें फेक यूनिवर्सिटीज में धर्म ग्रंथों से विज्ञान धड़ाधड़ टपकाए जा रहे हैं। दरअसल वेद हो, कुरान हो या बाइबल हो, अगर इनके भाष्य को आप पढ़ते हैं आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले के, तो आपको वो भाष्य बिल्कुल ही अलग लगेगा। फिर जब विज्ञान आ जाता है, लोग जागरूक होने लगते हैं और कुछ षड्यंत्रकारी सोचते हैं कि इसमें भी विज्ञान हम किसी तरह घुसेड़ दें और इस तरह से धर्म को भी महान बताना शुरू कर दें, क्योंकि इससे सीधे सीधे ईश्वर अल्लाह गॉड पे प्रश्न उठता है, वो इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं कि उनको विज्ञान ही नहीं पता था। तो इस कारण से ये इस तरह के भाष्य करते हैं ताकि लोग जिस तरह से पहले गुमराह किए गए थे उसी तरह से विज्ञान के नाम पे फिर से गुमराह कर दिए जाए। अब जरा इस आयत को देखिए, इसमें अल्लाह कहता है हमने आकाश को एक सुरक्षित छत बनाया किंतु वे हैं कि उसकी निशानियों से कतरा जाते हैं। भाई अल्लाह जब पूरी दुनिया बना दिया, सब चीज बना दिया जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो किस बात से डर रहा है कि उसकी निशानियों से कतरा रहे हैं लोग। और दूसरी बात कि आकाश को ये सुरक्षित छत बता रहा है। बताइए आकाश एक छत है? अगर हम पृथ्वी को देखें तो इस पृथ्वी में चारों तरफ ही आकाश है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान आने के पहले कोई भी आकाश में नहीं गया था, इसलिए वो लोग इस तरह की आयतों पे बिलीव कर लेते थे। लेकिन अब जब हम स्पेस में जा चुके हैं, वहाँ पे देख चुके हैं कि भाई आकाश कोई छत नहीं होता है, बल्कि वो तो अनंत है और अभी तक उसका दूसरा सिरा नहीं खोजा जा सका है, तो ये एक सुरक्षित छत बता दिया। यहाँ पे अल्लाह का विज्ञान ही फेल हो गया। अब इस आयत को देखिए, इस आयत में अल्लाह कहता है क्या उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया देखा नहीं कि ये आकाश और धरती बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई, जो क्या वे मानते नहीं। मतलब यहाँ पे अल्लाह को इस बात की बहुत चिंता है कि लोग उसकी बात को क्यों नहीं मान रहे, तो भाई खुद क्यों नहीं आ रहा बताने के लिए। और खास बात यह है कि इसमें अल्लाह ये दावा कर रहा है कि आकाश और धरती बंद थे। तो भाई आकाश और धरती कब बंद थे? धरती जो है वो फिजिकली है, जबकि आकाश का कुछ पता ही नहीं है कि वो कहां तक है, और धरती का अस्तित्व इतना छोटा है आकाश के कंपेयर में, तो उसके साथ आकाश कैसे बंद हो गया जबकि धरती के चारों तरफ आकाश है। तो ये किस तरह की बात अल्लाह कह रहा है, कौन सा विज्ञान से यह बात बता रहा है? और फिर बोल रहा है कि हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई, तो पानी कहाँ था? पहले ही धरती पर था या आकाश में था, या फिर तुम लाए तो कहाँ से लेकर आ गए? और फिर आगे बोल रहा है तो क्या वे मानते नहीं, मतलब उसे इस बात की चिंता है कि वो फेंक रहा है और इस फेंक बात को वो मानते नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह को बिल्कुल भी साइंस की नॉलेज नहीं है। अब इस आयत को देखिए, इसमें अल्लाह कहता है फिर उसने आकाश की ओर रुख किया जबकि वह मात्र धुआं था, और उसने उससे और धरती से कहा आओ स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ। उन्होंने कहा हम स्वेच्छा के साथ आए। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह फिर से फेंका फेंक कर रहा है और उसे कुछ भी नहीं पता है विज्ञान के बारे में, न पृथ्वी के बारे में न आकाश के बारे में। उसने आकाश को रुख किया और बोल रहा है कि वो धुआं था। बताइए आकाश को धुआं बता दिया, और फिर कह रहा है उसने धरती से कहा, मतलब धरती से कहा और धरती इसकी बात सुन रही है, मतलब आकाश और धरती जो है स्वेच्छा के साथ साथ आ जाते हैं। वाह भाई क्या गप्पबाजी है। और इसी कोट को जाकिर नाइट जैसा गपोड़ा विज्ञान सम्मत बताकर जो आज की युवा पीढ़ी है उनको गुमराह कर रहा है। कुछ और आयत देख लीजिए। इस आयत में अल्लाह कहता है क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने किस प्रकार ऊपर तले सात आकाश बनाए। अब बताइए यहाँ पे अल्लाह जो है सात तले आकाश भी बना दे रहा है। वाह भाई वाह। पृथ्वी के चारों तरफ आकाश है जिसकी सीमाएं हमें नहीं पता है, और पृथ्वी जैसे न जाने कितने पिंड कितने सूर्य आकाश में विद्यमान है, और ये बोल रहा है कि आकाश में सात तले बनाए।
है, तो भाई 7 तले बनाया तो क्या उसमें स्टेप्स हैं? वो कोई सरफेस है कि एक तले के ऊपर दूसरा तल्ला और दूसरे के ऊपर 3 तल्ला, उसी तरह से 7 तल्ला तुमने बना दिए? तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह को बिल्कुल भी विज्ञान के बारे में नहीं पता है और वो कुछ भी गपोड़े जा रहा है। इसी तरह से आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, अगर आपको ये जांच करना है कि इनमें कितना विज्ञान है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये धर्म ग्रंथ सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, दुनिया के बारे में, आसमान के बारे में, चंद्रमा के बारे में क्या बता रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक गैलीलियो कोपरनिकस से पहले तरह तरह की अलग अलग मान्यता थी सूर्य, चंद्रमा और आकाश के बारे में, और सभी ने गलत डिस्क्रिप्शन किया है इनके बारे में। सबने पृथ्वी को स्थिर बता दिया और सूर्य को ही पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। इसमें वेद भी अछूता नहीं है। आजकल कुछ वैदिक गपोड़े यह प्रचारित कर रहे हैं कि उनके वेदों में पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाते हुए बताया गया है, और उसके लिए वो ऋग्वेद का मंत्र भी पेश करते हैं। वो ये मंत्र है और इसका अर्थ ये बताते हैं, पृथ्वी निरंतर अन्न रस आदि से प्राणियों को पूर्ण करती हुई तथा अपने नियम का पालन करती, ईश्वरीय महिमा का उपदेश करती, दानी श्रेष्ठ जन और विद्वानों को सुख देती हुई अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब आइए इस मंत्र का DNA एनालिसिस करते हैं कि क्या वास्तव में इसमें लिखा हुआ है कि ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, या कुछ और लिखा है और ये झूठ मूठ का गपोड़बाजी कर रहे हैं कि ये पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। दरअसल इस मंत्र में ये जो पयोदुहाना लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दूध दुहाती हुई अर्थात दूध देती हुई, और ऐसा पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। इसी में आगे का जो मंत्र है, इसमें ये लिखा हुआ है, वरुण और अन्य देवों को आहुतियां दें। अब वरुण और अन्य देवों को आहुतियां देने के लिए और इस पयोदुहाना दोनों वर्ड को अगर जोड़ें, तो इससे पता चलता है कि यह गाय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि गाय ही दूध देती है, घी देती है, तो ये देवताओं के आहुतियां देने की बात हो रही है, जबकि इसी को ये पृथ्वी बता दे रहे हैं। तो पृथ्वी पर तो ये फिट ही नहीं बैठ रहा, और आगे इनने बता दिया कि अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब बताइए, इस मंत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखा आपने, इन गपोड़ियों ने जो भाष्य बना रखा है उसमें कहीं भी इस मंत्र का अर्थ नहीं निकल रहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। दरअसल यहाँ बात ही गाय की हो रही है और ये पृथ्वी नाम देकर खुद से ही यह शब्द जोड़ दिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह से ये एक दूसरा भी मंत्र पेश करते हैं, ये दयानंद सरस्वती का भाष्य है। मैं आज आर्य समाजियों के ही भाष्य को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बिना इनकी किताब देखे ही मैं बता देता हूँ। अब देखिए, इसमें ये जो 3rd अध्याय का 6th श्लोक पेश करते हैं, इसका अर्थ ये बताते हैं, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिसने यह भूगोल, पृथ्वी, जल और अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई अंतरिक्ष व अपनी कक्षा अर्थात योनि रूप जल के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है। अब देखा आपने, यहाँ पे फिर से बता दिया इनने, क्षण क्षण घूमती है। आइए इस मंत्र का भी DNA एनालिसिस करते हैं कि कहीं पे ये दिया भी हुआ है या खुद से ही ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं। यहाँ पे जब इस मंत्र को आप तोड़िएगा तो शब्द आता है आक्रमण, इसको इन्होंने चारों तरफ घूमती हुई बता दिया, जबकि आक्रमण का मतलब होता है हमला करना। आप किसी भी डिक्शनरी में उठाकर देख लीजिए, कहीं भी आक्रमण का मतलब हमला करना दिया हुआ है। इसके कुछ और भी मतलब होते हैं, लेकिन कहीं भी आक्रमण का मतलब चारों तरफ घूमता हुआ नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने वेद के मंत्रों का भाष्य ही बदल दिया है, और भाष्य बदल कर ये गपोड़ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये इनके वेदों में दिया हुआ है। वास्तव में ये जो मंत्र है, इसका सूर्य और पृथ्वी के स्थिर होने या घूमने से दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। जबकि इस मंत्र के आगे पीछे के अगर आप मंत्र देखते हैं, तो आप पाएंगे कि बाकी के सारे मंत्र अग्नि की ही बात कर रहे हैं, और ये भी अग्नि देवता को ही खुश करने की बात कर रहा है। तो ये तो थे दो मंत्र जिससे ये साबित करना चाहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आइए मैं आपको 2-3 और मंत्र दिखाता हूँ, जिसमें क्लियरली ये खुद ही लिखते हैं कि पृथ्वी स्थिर है। अब इन आर्य समाजियों का अजमेर पब्लिकेशन का जो ऋग्वेद है, इसमें 2nd मंडल के 12वें सूक्त के 2nd मंत्र को देखिए। इस मंत्र का अर्थ ये बताते हैं कि हे विद्वान पुरुषों, जो चलायमान अति विरल और तरल पदार्थों से बनी भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को दृढ़ करता है। इस मंत्र को बहुत प्रयास किए बदलने का, तब भी इसे लिखते हैं कि दृढ़ करता है। जबकि एक दूसरे वेद, जिसका भाष्य वेद प्रकाश शर्मा ने किया है, इनमें इसी का भावार्थ है, हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, भूलोक को धारण किया तथा भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया। तो इसे साफ पता चलता है कि पृथ्वी को एक आधार प्रदान करने की बात हो रही है, स्थिर करने की बात हो रही है। अब एक दूसरा
मंत्र देखिए। अथर्ववेद में 12वें मंडल का पहला सूक्त 11वां मंत्र। इस मंत्र में भी यह बताया गया है कि अनेक रूपों वाली विस्तृत और अचल भूमि की इंद्र रक्षा करता है, यानी कि पृथ्वी के लिए अचल शब्द यूज हुआ है। फिर इसी में 17वां मंत्र देखिए। इस मंत्र का अर्थ है हम सदा विस्तृत और अचल भूमि पर विचरण करें, यानी कि यहाँ भी पृथ्वी के लिए अचल शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 6ठे मंत्र में भी यह दिया हुआ है, पृथ्वी च धृणा येन, अर्थात कि जिस देवता ने पृथ्वी को स्थिर किया। तो देखा आपने, पृथ्वी के लिए ये सारे शब्द यूज हुए हैं, दृढ़ किया, स्थिर किया, अचला, जबकि अचला का मतलब होता है गतिहीन, और अचला पृथ्वी का एक पर्यायवाची भी है संस्कृत में, यानी कि वो गतिहीन है। तो कुल मिला के इनने कितना भी प्रयास किया यह साबित करने के लिए कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है, वो पूरी की पूरी गपोड़पंथी है। इनने दो मंत्रों के भाष्य को बदलने का तो प्रयास किया, लेकिन बाकी के जो मंत्र हैं उन सबको ये बदल नहीं पाए, और ये खुद ही उसे दृढ़ अचला भी बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर इसे घूमता हुआ पहले ही बताया गया था तो क्यों आज तक भारतीय पृथ्वी को शेषनाग के फन पर समझते थे? क्यों नहीं भारतीयों को यह बात पता थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? क्यों ये बात पश्चिम के साइंस के आने के बाद ही पता चली? दरअसल 1875 के बाद से जब से इनने वेद से विज्ञान टपकाना शुरू किया है, तभी से यह भाष्यों को लगातार चेंज करते जा रहे हैं और अपना एक अलग भाष्य बनाते जा रहे हैं, और दूसरे जो पहले से भाष्य उपलब्ध हैं जो कि बिल्कुल सही हैं उसको ये गलत बताते जा रहे हैं। अब जो शुरू में मैंने सवाल किया था कि ये जितने भी हवन होते हैं उनमें वेद के ही मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वेद मंत्रों का काम ही यही था कि देवताओं को खुश करना, आहुति दो, यज्ञ करो, हवन करो, और वही इसका वास्तविक अर्थ भी है जिसको ये तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती विज्ञान टपकाने के चक्कर में अपना उपहास उड़वा रहे हैं। आगे मैं इस सीरीज के और भी वीडियोज लाते रहूंगा जिसमें मैं प्रमाण सहित दिखाऊंगा कि कैसे ये भाष्य को बदल बदल कर भारतीय नौजवानों को विज्ञान से हटाकर अपने इस पाखंडबाजी में विज्ञान दिखाने के चक्कर में बर्बाद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये गपोड़े चाहे जितना भी प्रयास कर लें, वेद की जो असलियत है वही की वही रहेगी, उसमें से कोई विज्ञान नहीं टपकने वाला और न ही किसी भी धर्म ग्रंथ से विज्ञान टपकने वाला। क्योंकि जब ये किताबें लिखी गई थी, जब रचना हो रही थी, उस समय लोगों की जो सोच थी, जितना वो मैक्सिमम सोच सकते थे उतनी ही बातें उसमें लिखी हुई है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि कैसे ये धर्म के धंधेबाज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अपने अपने धर्म ग्रंथों में विज्ञान दिखाकर, और लोग इनके षड्यंत्र से जागरूक हो सकें। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।